हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग स्कूल में जाते हैं तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं फाइल्स में, तो आपको क्या क्या अपने जो है फाइल में रखना ज़रूरी है, क्या क्या आपको अपने फाइल में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली एक फ़ाइल की ज़रूरत होती है जिसमें अपने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये है मेरी फ़ाइल और इसमें मैंने जो जो रखा है मैं आपको सारा कुछ बता देती हूँ कि हमें इसमें क्या क्या रखना होगा। तो देखिए मैं आपको सब खोल के बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें रखा है अपना रेज्यूम। तो रेज्यूम अगर आपको बनाना है, अगर आपको बनाना नहीं आता है तो उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बनाना है और क्या क्या प्रोसीजर होती है, हमें इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, वो सारा कुछ आपको जो है मिल जाएगा वीडियो में, जो लिंक में आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेरी 10th क्लास का जो है शीट है, तो ये भी हमें रखना बहुत ज़रूरी है 10th क्लास का। फिर उसके बाद ये हो गया मेरा 12th का भी रखना हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 12th का भी हमें रखना चाहिए। उसके बाद ये मेरी सारी डिग्री की है, 1st ईयर 2nd ईयर और 3rd ईयर, तो ये भी हमें रखना है अपने जो है फाइल में रखना है इसे। और लास्ट है मेरा ये बीएड का, देख सकते हैं आप, ये बीएड का, तो बीएड का भी मैंने इसमें रख लिया है। तो यही सब चीज़ें जो मैं है अपने साथ लेके जाती हूँ कभी भी मैं स्कूल में जाती हूँ तो, और प्लस अपने एप्लीकेशन भी आप लोग को लिख के लेके जाना है। अगर आप कभी भी स्कूल में जा रहे हैं तो एप्लीकेशन भी आप लोग को लिखना है, हैंड रिटन एप्लीकेशन होना चाहिए ब्लैंक पेपर पर। तो ये सब मैं लेके जाती हूँ, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ यही हमें लेके जाना है। प्लस आपको जो है अपने आधार कार्ड की जो है एक ज़ेरॉक्स भी, कई कई बार अगर आपको मतलब स्कूल में अगर ऑन द स्पॉट ही अगर आपको कह दिया जाता है कि हम आपको स्कूल में अभी ही जो ज्वाइन करवा लेते हैं, तो आप लोग से जो है आधार कार्ड की आप कॉपी भी लेके जा सकते हैं, प्लस पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटो भी लेके जा सकते हैं अगर आपको लेके जाना है तो, क्योंकि मैं अपने साथ ये सब कैरी करके लेके जाती हूँ। तो आपने आई थिंक देख लिया, आपको समझ में आ गया है कि आपको अपने जो फाइल में है क्या क्या रखना है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 10th के 12th के 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर की, या तो आप हो सकता तो फाइनल ईयर का ओनली आप रख सकते हैं, बट मैं 1st ईयर 2nd ईयर फाइनल ईयर तीनों का रखती हूँ। प्लस आपको बीएड का डिग्री, प्लस अगर आपने एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में, अगर आप एक्सपीरियंस मतलब आपको एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में, आप पढ़ा चुके हैं और आपको वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप उसको भी रख सकते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सिर्फ यही सब जो मैंने आपको बताया है आप वही सब रखिए। रेज्यूम रखना है, एप्लीकेशन भी आपको रखना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्लस आपको आधार कार्ड की कॉपी भी जो है जेरोक्स करके रख सकते हैं आप। तो यही स्टेप सब चीज़ें आपको रखनी होती है अपने साथ। इसके अलावा आपको जो है अपने जो फाइल में और कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही चीज़ आप लोग अपने साथ रखिए और जब आपके टीचर्स आपसे मांगती है तब आप उनको दीजिए। कई कई लोग देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम लोग रेज्यूम जो हम लोग अपना रेज्यूम और एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो अपना जो है अपने साथ में अपना जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो आप लेके जा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, आप बस अपना रेज्यूम देने के लिए जा रही हैं, तो आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है अपने फाइल में, आप उसको रख सकते हैं। रेज्यूम और एप्लीकेशन आप अलग रखिए टीचर को देने के लिए, पर आप फाइल में जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भरोसा नहीं है कि टीचर आपको बोल दे कि आप हमें अभी ही जो है डेमोन्स्ट्रेशन दे दो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप लोग फाइल में जो है अपने साथ जो है सारे ये सब जो मैंने आपको बता चुका है वो आपको रखना है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको फाइल में क्या क्या रखना है और कैसे आप कब मतलब किस तरीके से आपको रखना है। तो आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।